जय हिंद डिफेंस फ्रेंड्स, मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्टिंग आपकी कर ली है, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। शुरुआत करते हैं इस सेशन की। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ के द्वारा 12 नवम्बर 2024 को उड़ीसा के ITR इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांडीपुर से एक सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग मिसाइल की गई है और इस मिसाइल का नाम रखा गया है LRLACM। इसका फुल फॉर्म लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है और ये जो टेस्टिंग थी पूरी तरीके से सक्सेसफुल रही है। मोबाइल आर्टिकुलेटर लॉन्चर से इसको फायर किया गया है और यहाँ पर भारत के रक्षा मंत्री और DRDO के द्वारा जो है हम सभी को सूचना दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने तरफ से जो है डीआरडीओ को धन्यवाद कहा और साथ ही साथ उनको जो है अपनी तरफ से शुभकामनाएं दी हुई हैं। तो इस प्रकार के टाटरा ट्रक के द्वारा जो है इसका फायरिंग आपकी की जाती है। ये एक प्रकार की क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल वो होती हैं जिनकी स्पीड ऑफ साउंड से अधिक होती है, तो उसको हम जो है मैक कहते हैं, 1 मैक 2 मैक 3 मैक। तो ये आपकी उसी पर आधारित है। द मिसाइल परफॉर्मेंस वॉज मॉनिटर्ड बाई द रेंज सेंसर्स लाइक रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, टेलीमेट्री डिप्लॉय बाय द ITR एट डिफरेंट लोकेशन। तो उड़ीसा की तरफ आप जब जाओगे, चांडीपुर बे ऑफ बंगाल है, वहीं पर इस मिसाइल की टेस्टिंग आपकी होती है। अब तो वैसे और भी मिसाइल रेंजेस भारत आपका बनाने जा रहा है, जिसमें एक तो विशाखापट्टनम में बनने जा रही है। इस मिसाइल को डेवलप किया गया है DRDO की लैब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, जिनका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, और DRDO की लेबोरेटरी और अदर इंडस्ट्रीज के द्वारा, इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा इस मिसाइल को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। तो देखिए, इसको एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा तो बनाए गए है, साथ ही साथ द LRACM इज डिजाइन टू बी लॉन्च फ्रॉम बोथ मोबाइल ग्राउंड बेस सिस्टम एंड फ्रंट लाइन शिप्स, यानी कि आप इसको लैंड से भी लॉन्च कर सकते हो और इसको जो है फ्रंट लाइन शिप से भी लॉन्च किया जा सकता है, जिससे कि हम यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल के साथ काम करेंगे और अपने ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को ले पाएंगे। अर्थात अब इससे हमको ये पता चलता है कि इसका उपयोग मेनली कौन करेगी, इंडियन नेवी करेगी। और अभी मैंने आपको डिफेंस कनेक्टिविटी की क्लास में पढ़ाया था कि भारत जल्द ही 1000 किलोमीटर के रेंज के मिसाइल का परीक्षण कर सकता है इस सप्ताह, और ये वही मिसाइल है, ठीक है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर रहेगी। इसको भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इन हैदराबाद एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इन बेंगलुरु सर्व एज ए डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर। तो BDL और BEL दोनों मिलकर इस प्रकार के मिसाइल का निर्माण करेंगे और अभी तो इसकी रेंज 1000 किलोमीटर रखा गया है। इसकी आपके रेंज को भी एक्सीड करना है, यानी कि इसको बढ़ाना है, और एक्चुअल तो रेंज जल्दी बताई नहीं जाती, लेकिन मोटा मोटा ये पता रहता है कि हाँ, ये मोर देन 1000 किलोमीटर तक जा सकती है और पिन पॉइंटेड किसी भी शिप को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। तो इस प्रकार से इसको हम एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल भी कह सकते हैं और ये वही मिसाइल है। अराउंड 20 एडिशनल टेस्ट फ्लाइट्स आर प्लान टू फाइन ट्यून द मिसाइल परफॉर्मेंस विच ऑल्सो इंक्लूड्स टर्मिनल होमिंग थ्रू एन इंडिजीनियस रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर। तो इस प्रकार के और भी टोटल 20 टेस्ट आपके किए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, इंडियन नेवी इज एक्सपेक्टेड टू ऑर्डर 200 LRLACM वर्थ अप्रॉक्सिमेटली 5000 करोड़ रुपीस ऑन वंस DRDO कंप्लीट्स द मिसाइल ट्रायल। तो जितने भी ट्रायल्स होने हैं उनको जैसे कंप्लीट किया जाएगा, 200 मिसाइल्स की ऑर्डर दिए जाएंगे BDL और BEL दोनों को, जिससे कि भारत में 5000 इस प्रकार की मिसाइल बन सके। आपको ये भी पता होगा कि हमने इंडियन नेवी के लिए 20,000 करोड़ रुपये का ऑर्डर, टोटल 200 मिसाइल ब्रह्मोस बनाने के लिए पिछले साल ऑर्डर दिया हुआ था। तो जितनी मिसाइल रहती हैं उतना फायर पावर किसी भी फोर्सेस का बढ़ा रहता है, जिससे कि हम अपनी फायर क्षमता लगातार बढ़ाते जाएं। अगर हम बात करते हैं 200 मिसाइल की, तो 200 मिसाइल कोई ज़्यादा अधिक नहीं होती हैं, लेकिन इनका कॉस्ट इतना अधिक होता है और टाइम टेकिंग भी रहता है बनाने में, लेकिन इससे यही होता है कि हमारी फोर्सेस काफ़ी शक्तिशाली हो जाती हैं। ये टेस्ट पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा है और आगे भी इस प्रकार के कई टेस्ट आपके किए जाएंगे। DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर कामत हैं और उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। DRDO भारत की एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि हमारे आर्म फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए कार्य किया करती है। इनका हेडक्वार्टर DRDO भवन नई दिल्ली में है और
1958 में स्थापना की गई थी। 1 जनवरी को हर साल इनका एनिवर्सरी डे मनाया जाता है। बलेस मूलम विज्ञानम इनका मोटो है। तो अगर आपको ये एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आप हमारे कोर्सेस में इनरोल हो जाएं, हमारे टेस्ट सीरीज को बाई करें जिससे कि आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकें और वो रिटर्न कोड का यूज़ कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।